नमस्कार, बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे के एक नए रूल के बारे में। रेलवे अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है और हमें देखने को भी मिला है, जिससे कि यात्रियों को विशेष तरह की सुविधा मिल सके। देश में इन दिनों ट्रेनों की रफ्तार में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में रेलवे ने अब अपने कर्मचारियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों में बदलाव किया है, जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े और वे एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी सके। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्तर पर एक दूसरे से दूर रहकर, यानी कि पति पत्नियों का जिक्र किया जा रहा है, एक दूसरे से दूर रहकर रेलवे की सेवा कर रहे पति पत्नी को अब रेलवे एक साथ करने की बात कह रही है। रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने रेलवे के सभी जोनल महाप्रबंधकों को चिट्ठी लिखी है। बता दें कि इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि अभियान चलाकर उनकी एक स्थल यानी कि मुख्यालय मंडल और कारखाना आदि में तैनाती कर रेल मंत्रालय को इसके बारे में जानकारी दे, उन्हें अवगत कराएं। और इसके लिए बोर्ड ने 16 सितंबर तक का समय जो है वो निर्धारित किया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी पत्र में यह कहा गया है कि शिकायत मिल रही है कि आवेदन के बाद भी दंपत्ति का एक स्थल पर तैनाती नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि महाप्रबंधन स्वयं रुचि लेकर लंबित पड़े ट्रांसफर के आवेदकों को विचार करें और उन्हें जो है जल्द से जल्द निस्तारित करें। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो भारतीय रेलवे स्तर पर पति और पत्नी के ट्रांसफ़र एप्लीकेशन संबंधी विभागों और अधिकारियों की सुस्तता के कारण यह कार्य जो है हो पा रहा है, यानी कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। यह भी कहा गया है कि रेलवे प्रशासन भी पति और पत्नी को एक स्थान पर लाने को लेकर अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा पा रही है। एक उदाहरण के रूप में देखें तो पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में आधा दर्जन आवेदन ट्रांसफ़र की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है, यानी कि वहाँ टेबल पर वो धूल फांक रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को पारिवारिक कार्यों से कार्यस्थल छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है, जिसका नुकसान रेलवे को बार बार उठाना पड़ रहा है। इधर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल कर्मियों को बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए समय समय पर आवश्यक निर्णय लिए जाते रहे हैं। इसी क्रम में स्पॉन्स के आधार पर पेंडिंग ट्रांसफर के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस नियम के बाद से एक तरफ जहां कर्मचारी अपने परिवार के साथ रह पाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे को भी बार बार अपने कर्मचारियों को छुट्टी नहीं देना पड़ेगा और काम में भी जो है रेलवे में प्रगति देखने को मिलेगी। तो ये थे रेलवे के कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।